Hello, good evening students and everyone. How are you? This is M Singh here. But आज हम इस वीडियो में यूपी नीट का मॉपअप राउंड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज का क्या कट ऑफ जा सकता है. साथ ही साथ इस कट ऑफ पर ऑल इंडिया कोटा में जो स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग है उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है. तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर एक इस चीज का कंपैरिजन करते हैं कि 2022 और 2023 और 2021 का भी थोड़ा सा डेटा लेते हैं कि किस ढंग से राउंड वन से राउंड टू में रिजल्ट में चेंज आ रहा है. एक बार देखिएगा बेटा, दो हजार बाईस का रिजल्ट आप यहां देखें तो राउंड वन में जो रिजल्ट था और फिर राउंड टू में कैसे चेंज हुआ और फिर वो मॉपअप राउंड में कैसे जाकर के किस ढंग से चेंज होता है वो देखिएगा. 2022 में राउंड वन में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 18,305 AIR पे था और मार्क्स थे बेटा उस बच्चे के 606. लेकिन राउंड टू में देखिए कट ऑफ बहुत हाई हो गया और 15,344 रैंक पे चला गया. जो कट ऑफ 18,305 पे था वो 15,344 यहाँ की, यानी कि इसमें देखें लगभग जो कट ऑफ है वो 3,000 रैंक का फर्क डाल रहा है. यानी जो कट ऑफ 18,300 के आसपास हुआ था वो 15,300 पे आ गया. मार्क्स देखिएगा 606 और 613 में 7 मार्क्स का भी फर्क आया. लेकिन मॉपअप राउंड में देखिएगा 2022 में कट ऑफ कैसे फिर नीचे आ जाता है. 2022 में बेटा राउंड टू का कट ऑफ जो 15,344 AIR पे था वो मॉपअप राउंड में आकर के 22,220 हो गया. ये कट ऑफ 22,220 पे आ गया. तो अगर आप राउंड टू से राउंड थ्री का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो इसमें कितने का फर्क आता है, इसमें करीब 15 से 22 7,000 रैंक या 6,800 रैंक का फर्क आता है. यानी 6,800 रैंक नीचे गिरता है कट ऑफ. निश्चित रूप से बेटा ये सब डिपेंड करता है कि सीटें कितनी अवेलेबल हैं. तो आपको मैं बताऊं पिछले साल यानी 2022 में मॉपअप राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी की 66 सीटें खाली होकर के आई थी. 66 सीटें थी, 66. तो जब ये 66 सीटें आई, इन 66 सीटों की वजह से 6,800 रैंक कट ऑफ डाउन आया. मैं एक सिंपल से मैथ्स इसमें लगा दूं, हालांकि बेटा जो ये कट ऑफ होता है सिंपली मैथ्स पे नहीं डिपेंड करता है. वहां तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द मॉपअप राउंड उनकी रैंक पे डिपेंड करता है. लेकिन बेटा फिर भी हम चीजों को मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली अगर हम उसका एक आंकलन करें तो हमारे मन में एक अंदाजा मिलता है कि इसके इसके आसपास कट ऑफ हो सकता है. जब हम कट ऑफ को बेटा थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हैं बेटा, निश्चित रूप से इसमें प्रीवियस ईयर का स्टैटिस्टिकल डेटा होता है और इस साल जो सीटें हैं वो कितनी बढ़ी या घटी हैं उसका वहां पर उपयोग होता है. और तीसरा, इस साल से अगर आपने देखा हो तो बच्चों ने सीटें बहुत सारी ब्लॉक कर रखी थी स्टेट में और ऑल इंडिया कोटे में. राउंड टू से राउंड थ्री में कट ऑफ 15,344 से 22,220 हो गया. 2022 में अनरिजर्व कैटेगरी का राउंड वन में 606 मार्क्स पर कट ऑफ गया था और राउंड टू में 613 पे चला गया था, लेकिन मॉपअप राउंड में 597 पे चला गया था. इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आइएगा, राउंड वन में कट ऑफ 19,440 पे गया था 2022 में, मार्क्स से 603. राउंड टू में 13,510 पे आ गया था और मार्क्स 617 हो गए थे. यहां पर अच्छा खासा कट ऑफ में अब गया था, काफी 6,000 रैंक का फर्क आ रहा है. 13,500 पे आ गया जो कि 19,500 या 440 के करीब था. लेकिन राउंड थ्री जिसे हम मॉपअप राउंड कह सकते हैं उसमें ये कट ऑफ वापस 23,386 पे गया था. और उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 सीटें खाली थी मॉपअप राउंड में. तो मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2022 में 7 सीटें मॉपअप राउंड में अवेलेबल थी. इसी तरह से अगर आप ओबीसी में आइएगा, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 18,888 AIR पे गया था, मार्क्स थे 605. लेकिन राउंड टू में ये घटकर के 15,742 हो गया. यानी इनमें देखें तो करीब फिर 3,000 रैंक का फर्क आया कट ऑफ में और कट ऑफ बड़ी तेजी से ऊपर चला गया. मार्क्स थे इस बच्चे के 612. लेकिन मॉपअप राउंड में देखिए 22,354 पे कट ऑफ आ गया. 18 से 22 के बीच में अगर आप देखें लगभग 3,500 रैंक का फर्क आया और 597 मार्क्स पे कट ऑफ गया था. और उस समय यानी 2022 में मॉपअप राउंड में 22 सीटें अवेलेबल थी. तो बेटा सीट मैट्रिक्स पे भी ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं. तो 22 सीट्स थी तो कट ऑफ राउंड टू से 15,742 से 22,354 पे आ गया था.
एससी कैटेगरी का राउंड वन में कट ऑफ 1,34,535 था, मार्क्स इस बच्चे को 441 मिले थे फर्स्ट राउंड में, लेकिन राउंड टू में 85,248 पे चला गया था, मार्क्स से 498। आप देखें पिछले साल भी राउंड टू में कट ऑफ जो था वो इस साल की तरह ऊपर गया था। इवन पिछले साल 2022 में ही नहीं 2021 में भी देखिए बेटा, राउंड वन में कट ऑफ जो अनरिजर्व कैटेगरी का 18,298 AIR पे था वो राउंड टू में 13,519 पे चला गया था। 601 मार्क्स राउंड वन में कट ऑफ मार्क्स थे और 613 हो गए थे राउंड टू में। यही हाल अगर आप देखिए EWS का 2021 में राउंड वन में 19,340 AIR पे कट ऑफ था, जो कि राउंड टू में 16,109 AIR पे हो गया था, 16,109 AIR पर। मार्क्स बेटा 599 पे फर्स्ट राउंड पे कट ऑफ 2021 में गया था EWS का, बाद में 607 हो गया था। यही चीज अन्य कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि राउंड वन से राउंड टू में कट ऑफ काफी ज्यादा हाई हो जाता है, 597 से 513 मार्क्स, 129,393 454 मार्क्स पे कट ऑफ एससी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में गया, बाद में 453 हुआ, यहां पे गिरा था। 2021 में एससी का कट ऑफ जो हुआ वो डाउन थोड़ा आया था, बहुत ही माइन्यूट सा, जबकि 2022 और 23 में ये अप ही गया था। तो अप वाला ट्रेंड जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC में तो बेटा 21, 22, 23 तीनों के तीनों साल में राउंड वन से राउंड टू में नजर आया है। एससी कैटेगरी 2022 के यूपी नीट के फर्स्ट राउंड में 134,535 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ गया था और बच्चे के मार्क्स थे 441, लेकिन राउंड टू में कट ऑफ पिछले साल भी बेटा देखिएगा बड़ी तेजी से ऊपर चला गया था। एससी कैटेगरी का 85,248 रैंक पे चला गया था राउंड टू में और मार्क्स 441 से बढ़ के 498 हो गए थे, 598। इस बार देखिए 459 से 504 हो गए, इंक्रीज लगभग उसी के आसपास आ रहा है। देखिए इसके बीच में कितने का फर्क आ रहा है, लगभग 60 का। यही हाल यहां पर भी आपको दिख रहा है, यहां तो फिर भी थोड़ा सा मार्क्स वाइज कम फर्क है, 45 मार्क्स का फर्क दिख रहा है। पिछले साल तो एससी में 57 मार्क्स का फर्क आ गया था। एसटी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 540,964 AIR पर कॉलेज मिल गया था बच्चे को, मार्क्स थे करीब 200, मार्क्स थे 200, जो कि सेकंड राउंड में 440,260 पे गया था, मार्क्स हो गए थे उस बच्चे के 240। तो पिछले साल राउंड टू में एसटी का भी कट ऑफ जो था वो थोड़ा सा ऊपर चला गया था। लेकिन मॉप अप राउंड में देखिए बेटा, 2022 का मॉप अप राउंड का कट ऑफ एससी कैटेगरी का जो सेकंड राउंड में 85,248 था उससे 137,000 चला गया था। यानी इसको जरा राउंड वन से कंपेयर करिए, राउंड वन में 134,535 AIR पे गया था, बाद में देखो ये करीब 3,000 के आसपास रैंक जो था वो डाउन आ गया था। इसी तरह से एसटी कैटेगरी में 540,964 से मॉप अप राउंड से 544,267 पे आ गया था और 199 मार्क्स पे गया था, जो कि राउंड वन में 200 मार्क्स था और राउंड टू में 240 हो गया था। सीटें सिर्फ दो अवेलेबल थी एसटी में बेटा पिछले साल मॉप अप राउंड में, और एससी में 6 सीटें अवेलेबल थी। तो लास्ट ईयर की अगर अवेलेबल सीट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखिएगा, 2022 में मॉप अप राउंड में जनरल कैटेगरी की 66 सीट्स आई थी, EWS कैटेगरी की 7 सीट आई थी, ओबीसी की 22 सीट्स आई थी, एससी की 6 सीट्स आई थी और एसटी की 2 सीट्स आई थी 2022 में मॉप अप राउंड में। अब आप इससे अंदाजा लगाइएगा इस साल मॉप अप राउंड की सीट्स के हिसाब से क्या फर्क आता है। तो ये अभी हमने आपको 2022 का ये बताया, और इस 22 में मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि राउंड टू से राउंड थ्री में कट ऑफ कितना डाउन आता है, खासतौर पहली तीन कैटेगरीज में और एससी कैटेगरी में। आप कहोगे एसटी में क्यों नहीं, एसटी कैटेगरी के कम बच्चे यूपी में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल एरिया कम है, तो वहां पर कट ऑफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। सब कुछ सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटा जब आप कभी भी आगे आने वाले समय का प्रेडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट कट ऑफ क्या होगा, निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर का रुझान उस पर ज्यादा माने रखता है। आप अगर बेटा 2021 के कट ऑफ का भी इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कि 21 से 22 में कैसे कट ऑफ राउंड वन राउंड टू में चेंज हुआ और फिर 22 से 23 में। अब आप थोड़ा 2023 का राउंड वन राउंड टू का कट ऑफ उसका ट्रेंड देख ले फिर बात करते हैं। 2023 में राउंड वन में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 20,930 AIR पे गया, 615 मार्क्स पे था। पिछले साल का जो राउंड वन का कट ऑफ 18,305 रैंक पे था, ये 20,930 है, लगभग 2600 रैंक कट ऑफ नीचे आए। लेकिन राउंड टू में यह कट ऑफ 15,288 पे आ गया, जबकि पिछले साल देखो 15,344 पे था।
इस समय बच्चे के मार्क्स 613 थे, लेकिन आज 2023 में 626 मार्क्स वाला बच्चा इस रैंक पे बैठा हुआ है। यहां पे भी कट ऑफ ऊपर गया, एक मिनट राउंड 3 में, एक मिनट बेटा 2023 में जरा ईडब्ल्यूएस का देखिएगा। राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 22628 एआईआर से 19960 एआईआर पे गया, और ये राउंड 2 में फिर देखिएगा कट ऑफ ऊपर गया, 611 से 616 मार्क्स पे कट ऑफ चला गया। इसी तरह से ओबीसी का 22843 राउंड 1 में कट ऑफ था, जो कि 14463 हो गया राउंड 2 में, और इस बच्चे के मार्क्स 611 से 629 हो गए। यहां देखिए कितना तेजी से कट ऑफ ऊपर चला गया। सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी में आए, राउंड 1 में 2023 में 152091 एआईआर पर 459 मार्क्स पे राउंड 1 में कट ऑफ गया, जो कि राउंड 2 में 104570 एआईआर पे चला गया और 504 मार्क्स पे आ गया। यहां भी कट ऑफ बड़ा हाई चला गया। एसटी में देखिएगा 521457 एआईआर पर राउंड 1 में कट ऑफ गया था, राउंड 2 में 350827 पे गया, यहां पे भी कट ऑफ हाई चला गया, 260 मार्क्स से 332 मार्क्स पे चला गया। अब आपके सामने राउंड 1 से राउंड 2 का कट ऑफ यहां मौजूद है, इसी तरह से राउंड 1 से राउंड 2 का कट ऑफ 2021 का मौजूद है, राउंड 1 से राउंड 2 का कट ऑफ आपका 2022 से मौजूद है। अगर आप मानिए कि पिछले साल की तरह यहां पर 66 सीट्स हैं, यहां पर 7 सीट्स हैं, यहां पर 22 सीट्स हैं, और यहां पर 6 सीट्स हैं, और यहां पर 2 सीट्स हैं, अगर टोटल इतनी सीट्स हैं तो इस राउंड से इस राउंड में जो कट ऑफ में चेंज आया वो क्या फर्क डाल सकता है? तो आप जरा से देखें, 15344 से 22220 पे कट ऑफ आया। मोटा मोटी तौर पे अगर 6800 इसमें रैंक मान ले तो इसका मतलब राउंड 2 के कट ऑफ में 6800 अगर आप जोड़ देते हैं तो देखिएगा 15288 में 6800 अगर आप जोड़ें तो 16 4 20 22000 कुछ कट ऑफ आना चाहिए, उस हिसाब से 22000 कुछ कट ऑफ जाना चाहिए। एक तरीका ये भी पड़ता है कि स्टेट में कितनी सीट्स हैं और स्टेट में इस मार्क्स पे एआईआर क्या है, तो एक चीज और देखिएगा बेटा, पिछले साल मॉपअप राउंड में 597 मार्क्स पे कट ऑफ गया था, उस बच्चे की स्टेट रैंक 18025 जो स्टेट रैंक थी वो जनरल कैटेगरी में बच्चा मॉपअप राउंड में सीट पा गया था, कि ऑल इंडिया कोटा में 25451 रैंक है। आपको पता है नीट 2023 में कंपैरेटिवली रिजल्ट साउथ के स्टूडेंट्स का नॉर्थ के स्टूडेंट्स की तुलना में ज्यादा गया है, यूपी स्टेट की इस रैंक पर ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाता है। इसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस में मॉपअप राउंड में इस बच्चे को एक सीट मिली थी, उसकी स्टेट रैंक 3168 थी, इस साल उसकी ऑल इंडिया रैंक 26637 थी। जो मैं ये रैंक बता रहा हूं, ये जो यूपी में राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी उसमें जो बेटा मेरिट बनी थी उसके आधार पर बता रहा हूं ये। इसी तरह से ओबीसी में 3031 स्टेट रैंक पर कॉलेज मिला था मॉपअप राउंड में, 21548 एआईआर थी। इसी तरह से सी कैटेगरी की बात करें तो मॉपअप राउंड में 6848 स्टेट रैंक पे सीट मिली थी और उसकी एआईआर, उसकी बेटा ऑल इंडिया रैंक 157092 थी, 157092 थी। और एसटी कैटेगरी में जो 13045 स्टेट रैंक पर मॉपअप राउंड में सीट मिली थी उसकी ऑल इंडिया जो रैंक थी वो 489506 थी। अब बात आई कि मॉपअप राउंड का कट ऑफ कितना जा सकता है, मॉपअप राउंड में लास्ट ईयर जैसे बेटा जितनी सीट्स आई थी इस बार उससे कुछ सीट्स थोड़ी सी ज्यादा आने की चांस है, क्योंकि कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जो राउंड 3 है उसमें सीटें लेकर के और राउंड 2 में जो यूपी स्टेट के अंदर सीट लिया था उसे छोड़ेंगे, तो इसलिए उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो है करीब 20-25 सीटें ज्यादा आनी चाहिए। तो ये सीटें करीब 140 के आसपास हो सकती हैं, 150 भी हो सकती हैं। उस लिहाज से जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो बेटा एक कट ऑफ अगर एक्सपेक्ट करें, लास्ट ईयर 22220 एआईआर पे कट ऑफ अगर मॉपअप राउंड में गया था, और मॉपअप राउंड में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसी पैटर्न पे कट ऑफ फिर इस बार जाएगा, तो उस हिसाब से ये सीट इस बार कट ऑफ जो है ये लगभग 23000 प्लस माइनस 500 हो सकती है, यानी लगभग 23500 से लेकर के 22500 के बीच हो सकती है। तो बेटा इस साल यहाँ पे कट ऑफ जो है यूपी के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी का 30000 प्लस माइनस 500 एआईआर पे हो सकता है, कट ऑफ बेटा इसकी तुलना में 500 और प्लस माइनस होगा, यानी 30500 प्लस माइनस 500 हो सकता है इसका। इवन इसमें
इसका मतलब ये 24,000 से 30,000 के बीच में हो सकता है, ये कट ऑफ 22,500 से 23,500 के बीच में हो सकता है, और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जितना ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है इसी के आसपास जाने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी में जैसे लास्ट ईयर जो लास्ट राउंड 1,37,000 गया था कट ऑफ, इस बार भी उम्मीद है कि 1,35,000 से लेकर के 1,45,000 AIR के बीच में SC का कट ऑफ जाना चाहिए। ST कैटेगरी में बहुत सारा प्रेडिक्शन करना मुश्किल है क्योंकि ST कैटेगरी के अंदर बहुत कम सीट्स आती हैं, तो इसमें पिछले साल के हिसाब से अगर हम करें प्रेडिक्ट 5,44,267 था, तो यानी कि इस साल भी 5,20,000 से लेकर 5,50,000 AIR के बीच में कट ऑफ ST का हो सकता है, लेकिन वहां पर प्रेडिक्शन करना और भी मुश्किल है क्योंकि सीटें बड़ी कम आती हैं और कैंडिडेट भी कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। तो मेरा बेटा आपसे ये सजेशन है कि जिन बच्चों की रैंक 22,000 से लेकर के 30,500 या 24,000 के बीच है, वो अपने को थोड़ा सा अभी ये समझें कि वो अभी खेल में है, उनको यूपी स्टेट के अंदर सीट मिल सकती है। तो 22,000 अभी कौन से कैटेगरी के बच्चे हैं, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर इनकी रैंक ऑल इंडिया में 22,000 से लेकर के 23,500 रख लीजिए, 24,000 में मैंने EWS भी लिख लिया है इसलिए किया है, अदरवाइज 22,000 से 23,500 के बीच अगर आपकी रैंक है तो आपके अभी चांस मॉपअप राउंड में है। EWS में और प्लस माइनस 500 हो सकता है, इवन 700 भी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि EWS कैटेगरी के बच्चों का जो फाइनल कट ऑफ है उसमें ड्रॉप ठीक ठाक मिलता है। सो ये बेटा जो प्रेडिक्शन ऑफ कट ऑफ जो होता है पिछली सीट के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो होता है, ये सिर्फ इसलिए करने के लिए प्रयास किया जाता है कि आप में से कई बच्चे मायूस हो जाते हैं कि मेरी रैंक इतनी है मैं क्या करूं। कई बार कुछ बच्चे जो हैं इस गफलत में आ जाते हैं कि मेरे रैंक पर मुझे कॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस तरह का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने के पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसमें कि हम आपको हर्ट करना चाहते हैं, एक ही मतलब है। अगर मैं आपकी जगह पर मेरा बच्चा होता या मैं होता तो मैं ये सोचता ना मैं कितनी रैंक तक जाके काउंसलिंग करूं। तो हम एक आपके लिए उम्मीद ये जगाते हैं कि भाई आपकी रैंक अगर 24,000 है, आपकी रैंक अगर 25,000 है, आपकी रैंक अगर 26,000 भी है और आप अगर EWS कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी चाहिए, आपके चांस अभी बने हुए हैं। इसी तरह से यूपी स्टेट के अंदर ये रहता है कि आपके अगर रैंक 22,000 से लेकर के 24,000 जैसे मैंने रेंज दी इसके बीच में है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। इवन मैं तो कहूंगा कि जिनकी रैंक ऑल इंडिया कोटा में 25,000, 26,000 भी है, 27,000 भी है, आप स्टेट के मॉपअप राउंड में काउंसलिंग करिए बेटा। क्यों? क्योंकि हर चीज का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, फिक्स कुछ भी नहीं है। सीटों की अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट्स जो उस मेरिट में आएंगे अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे फाइनल वर्ड्स ये हैं कि अगर आपके ऑल इंडिया रैंक 27,000 तक है तो आप काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट करें। नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, आपको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी क्योंकि मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी और केवल मॉपअप राउंड का 1,000 रुपया जो है वही आपका वहां पर खराब होता है। इसी तरह से ऑल इंडिया कोटे में अगर स्टे राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप स्टे राउंड की काउंसलिंग करिए अगर आपकी रैंक 27,000 के आसपास तक है। और इवन आप में से कोई बच्चा अगर 27,000 से ऊपर के ऑल इंडिया रैंक वाला भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मैं उसे वेलकम करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को अनुमान के आधार पर कभी भी खोना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब कुछ जो है ये अनुमान है। आपकी 30,000 रैंक है तो भी आप पार्टिसिपेट करिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वहां पर उम्मीद कम है, लेकिन जिनके पास 22,000 से लेकर 27,000 के बीच रैंक है उन पर उम्मीद तो बनती है कि ऑल इंडिया या स्टेट कोटा में आपको सीट मिल सकती है। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसका कट ऑफ डाउन जाता है, वहां पर तो जो आपको लोअर रैंक पे कॉलेज मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा। तो बेटे इस तरह का वीडियो बना करके कारण आपको थोड़ा सा कि आपके मन में जो डायलेमा है, दुविधा है, उसको दूर करने की कोशिश करना है। जिन बच्चों की रैंक बहुत ही अच्छी है और वो क्लियर कट किसी भी राउंड में सीट पा सकते हैं, खुद मन में तो कोई डाउट ही नहीं है। ये वीडियो ज्यादातर उन बच्चों के काम आते हैं जो लोग लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं और हम उनको सीट नहीं मिल रही है। तो बेटा आप अपने
अपने को अभी पॉजिटिव मोड में रखिए और काउंसलिंग करिए। जो रेंज मैंने बताई है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर 27,000 तक है तो बिल्कुल करिए, आपका मन है 30,000 रैंक पर भी करिए, यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू।